हेलो फ्रेंड्स, बिहार के लाल मनोज वाजपेयी सर को कौन नहीं जानता होगा। हाँ, वही 50 रुपया उधार लेकर दिल्ली के सफर करने वाले मनोज वाजपेयी सर की ये 100वीं मूवी है, जिसका नाम है भैया जी। बिहार के छोटे से गांव से निकले मनोज वाजपेयी, जिनका ना ही फिल्मी बैकग्राउंड और ना ही कोई बड़े राजा के बेटे हैं, फिर भी देश के टॉप आर्टिस्ट में से एक हैं, जिन्होंने बॉलीवुड के आसमान में अपनी जगह बना ली है। मनोज वाजपेयी इस फिल्म से अपने जीवन की पूरी एक्सपीरियंस झोंक दी है। जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। तो मनोज वाजपेयी की 100वीं फिल्म, इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकती। खैर, फिल्म देखने के बाद इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि अभिनेता की अभिनय में कोई कमी नजर नहीं आई। अपूर्वसीन कार्की के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मनोज वाजपेयी एक ऐसी शख्स की भूमिका में है जो किसी बाहुबली से कम नहीं, और लोग इन्हें भैया जी के नाम से जानते हैं। फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस जोया हुसैन जो भी मुख्य भूमिका में है, और पर्दों पे मनोज वाजपेयी के साथ उनकी केमिस्ट्री की काफ़ी जम रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मनोज वाजपेयी के लिए पहली बार ऐसा था कि उन्होंने इस तरह का किरदार निभाया हो जिसमें वह एक बाहुबली की तरह नजर आते हैं, एक शक्तिशाली इंसान जिसका नाम पूरा देश भर में फैला है। पहले मनोज आपको पर्दे पर एक्शन फाइट सीन करते दिखेंगे। उनका फिल्म में आपको जोया हुसैन भैया जी की गर्लफ्रेंड की भूमिका में है, और फिल्म की शुरुआत दोनों की शादी की तैयारियों से होती है। दरअसल दोनों 10 सालों से एक दूसरे के करीब थे, और काफ़ी उम्र हो जाने के बाद दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। फिल्म की कहानी बिहार से शुरू होती है और दिल्ली में ख़त्म। भैया जी के भाई के वेद्यांत दिल्ली में हत्या हो जाती है, और हत्या करने वाला कोई नहीं बल्कि दिल्ली का ही एक बाहुबली का बेटा होता है। फिल्म में आपको यह बताया जा रहा है कि इस हत्या के मामले को पुलिस सड़क दुर्घटना में तब्दील कर देती है, और इस केस को जल्द से जल्द रफा दफा करने की कोशिश करती है। लेकिन जब भैया को पता चलता है तो उनके भाई की मौत सड़क दुर्घटना से नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई है, तब भैया जी अपना विक्रांत रूप दिखाते हैं। अब भैया जी कैसे अपने भाई की मौत का बदला लेते हैं, ये जानने के लिए आपको सिनेमाघर में जाना तो पड़ेगा ही। फिल्म की कहानी वैसे कमजोर आती नहीं है जिसमें वो कुछ नया दिखने को न मिलो। 90 के दशक में आई एक ऐसी फिल्म थी जो बदले की आग पर बनी है, और इसमें आपको कुछ ऐसा ही महसूस होगा। फिल्म के अभिनय की बात करें तो इसमें सारे किरदार आपको दिल जीत लेंगे। इस फिल्म के लिए मनोज वाजपेयी के साथ साथ सारे कलाकारों ने अपने किरदार के साथ इंसाफ करते आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निर्देशन में थोड़ी कमी जरूर दिखती है। जिस तरह भैया जी को एक दमदार इंसान की तरह पेश किया गया है, फिल्म में उस तरह उस किरदार की इंसाफ नहीं किया गया। फिल्म में इसके बीच भैया को इधर उधर भागना पड़ रहा है। फिल्म का विलेन उन्हें मारने के लिए खोज रहे हैं, एक भैया को आम आदमी के रूप में दिखाया जाता है। बात करें फिल्म के गानों की, तो फिल्म के गाने आपको जरूर पसंद आएंगे, जिनमें संगीत संदीप चौटा ने दिया है। वहीं फिल्म एक्शन से भरपूर होने के बावजूद भी इनको कोई ऐसा सीन नहीं देखने को मिलेगा जिससे आप अपने परिवार के साथ ना देख सके, यानी इसे पारिवारिक फिल्म की तरह बनाया गया है। कुल मिलाकर आप पूरे परिवार के साथ एक बार इस फिल्म का मजा ले सकते हैं। मेरी तरफ से यह फिल्म बहुत अच्छी रही है। अब आप अपना फिल्म देखकर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और हाँ, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा।